जय हिंद दोस्तों, हम हैं अक्षय सर नारदेंज वाले और आपका स्वागत है ये अक्षय मैथ क्लासेस में। अभी हम लोग क्लास टेंथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण वाला जितना भी प्रॉब्लम था उसको हम विलोपन विधि से हल कर रहे थे, जिसमें विलोपन विधि में ऑलरेडी हम तीन क्लास बता चुके हैं। चाहे तो एक क्लास में ही बता सकते हैं, डेढ़ घंटा, दो घंटा, ढाई घंटे का क्लास लेके, लेकिन हम टाइप के हिसाब से अलग अलग करके बता रहे। जैसे है तो सब विलोपने विधि, लेकिन विलोपन विधि में भी कुछ थोड़ा सा हट के है, कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे आज का जो है क्वेश्चन वो थोड़ा सा हट के ये है कि इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू कम मिलेगा, ए है, बी है, ए है, बी है, इस तरह के। तो ऐसे क्वेश्चन में भी अधिकांश स्टूडेंट को दिक्कत होता है। तो चलो, हम आपको दिक्कत क्यों पहुँचाएँ, हम तो आए हैं बताने के लिए, तो दिक्कत को ख़त्म करना है। तो बकवास को ख़त्म करते हुए डायरेक्ट आते हैं टॉपिक पे। देखिए, बाकी लाइक वाइक तो वो आपकी मर्जी है, लाइक कर देना यार, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो कर दो, वीडियो को शेयर तो कर दो, इतना अगर आपके लिए करते हैं हम तो। अगर लगता है ऐसा तो समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड है, आप क्या करना चाहोगे? y के गुणांक यहाँ एक है और यहाँ पे b है, तो b से ऊपर गुना कर दो और एस एक से नीचे गुना कर दो। b जैसे ही गुना हो जाएगा ये हो जाएगा बी एक्स, अगर b इसमें गुना हो जाएगा तो हो जाएगा बी वाई, और जब b हम इसमें गुना कर देंगे तो ए बी माइनस में b अगर गुना कर देंगे तो बी स्क्वायर। जैसे a अगर गुना करेंगे तो ए एक्स रह जाएगा माइनस में बी वाई माइनस ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। हालांकि फ़ायदा ये होगा कि बी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर प्लस में कट गया, बी वाई प्लस में बी वाई कट गया। जब भी डायरेक्ट इधर वाई वाला या एक्स वाई जब डायरेक्ट कटता है तो हम लोग कहते हैं जोड़ने पर, बी एक्स ए एक्स जब दोनों को जोड़ देंगे तो लिखेंगे ना कि बी एक्स प्लस में ए एक्स बराबर कितना बचा, ए बी प्लस ए स्क्वायर। अब हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे x, अगर x कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा b प्लस ए, यहाँ से a कॉमन लेंगे तो b प्लस ए, बी प्लस ए, बी प्लस ए कट गया तो x बराबर कितना हो गया a, x इक्वल टू a। अब x इक्वल टू अगर a निकल गया तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट ढूंढते हैं, x है तो x माने a रखो प्लस y को y रहने दो और a माइनस बी। एक काम करो, अगर y निकालना है तो a माइनस बी है, इस a को बराबर की उस तरह भेजो तो माइनस a हो जाएगा, माइनस a प्लस a कट गया, y बराबर कितना हो गया माइनस बी। यानी हल तो निकल गया, x बराबर a और y बराबर माइनस बी बन गया, हल लिख देना x बराबर a y बराबर माइनस बी। जबकि इधर बनाना है तो इधर पहले थोड़ा सा आसान बना देते हैं आपके लिए, आसान क्या बना देते हैं कि बटा में a और b है, तो जब भी बटा में a b रहे तो इसका एलसीएम ले लो, b को यहाँ गुना कर दो तो बी एक्स, ए को वहाँ गुना कर दो ए वाई, बराबर में कितना हो गया टू, और ये रहने देते नीचे वाला ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया बी एक्स तो बी एक्स रहने देंगे प्लस ए वाई तो ए वाई छोड़ देंगे और बराबर में क्या हो जाएगा ए बी से हम दो में गुना कर दी या टू ए बी हो जाएगा। इधर ए एक्स माइनस बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब क्या किया जाए, यहाँ पर y के साथ a गुना है, यहाँ पे b गुना है, तो इस समीकरण फर्स्ट, इस समीकरण सेकेंड। अब हम ये बोलेंगे कि जो b है ना b से ऊपर में गुना कर दो और जो a है a से नीचे गुना कर दो। अगर b गुना करेंगे तो बी स्क्वायर एक्स, बी अगर हम a में गुना करेंगे तो ए बी वाई, बी अगर इसमें गुना करेंगे तो टू ए बी स्क्वायर, जब हम ए से गुना करेंगे तो ए गुना करते साथ ए स्क्वायर एक्स,
ए से अगर इसमें गुना करेंगे तो माइनस ए बी वाई, ए अगर इसमें गुना करेंगे तो ए क्यूब हो जाएगा माइनस में, ए अगर गुना कर दिए तो ए बी स्क्वायर। समीकरण थर्ड और समीकरण फोर्थ, अब इसको हल करना। ए बी वाई प्लस में ए बी वाई माइनस में, इन दोनों में से अगर जोड़े हम, मान लेते जोड़ना चाहते हैं बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर एक्स, उधर देखते हैं तो यहाँ तो पहले ए क्यूब रह जाएगा अ प्लस, क्योंकि ए बी स्क्वायर यहाँ पे दो गो है और यहाँ पे ए बी स्क्वायर एक गो है, तो दो गो ए बी स्क्वायर में एक गो ए बी स्क्वायर घट गया तो फिर भी ए बी स्क्वायर बचेगा। अब यहाँ से और यहाँ से दोनों जगह से अगर कॉमन कहें, कॉमन क्या है तो एक्स, यहाँ से बच जाएगा बी स्क्वायर अ प्लस, इसमें से एक्स निकाले तो बच जाएगा ए स्क्वायर बराबर, इन दोनों में से सिर्फ ए कॉमन है, तो अगर सिर्फ ए कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा ए स्क्वायर अ प्लस में, इसमें से बच जाएगा बी स्क्वायर, उसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों तरफ है तो कैंसिल। अब जो एक्स इक्वल टू बचेगा वो है ए, चलो एक्स तो निकल गया, अब वाई कैसे निकाले, तो जब एक्स का मान निकल जाता है तो हम कहते हैं कि समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट कितना है वो देखना है, समीकरण फर्स्ट ढूंढना है, समीकरण पहला कहाँ है, पहला कहाँ है, तो पहला इसको मान लो, उसको मान लो, जहाँ मन करे वहाँ मान लो, दोनों सही है, ये भी सही है, ये भी समीकरण फर्स्ट है, यही मान लीजिए कि एक्स है तो एक्स मतलब कितना यार ए, तो ए लिखो ए अब बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर में टू, ए से ए कट गया तो बचेगा वन, वाई बटा बी बराबर दो, यानी वाई बटा बी बराबर कितना हो जाएगा, एक को माइनस कर देंगे तो दो में से एक गया तो एक, यानी वाई बराबर कितना हो जाएगा बी, तो वाई इक्वल टू बी हो गया और एक्स इक्वल टू कहाँ निकला था ए हो गया, तो इसका हल हो गया एक्स बराबर ए और वाई बराबर बी, जितना निकल गया ना राइट आंसर यही आंसर हो गया। दो क्वेश्चन बताएं, थोड़ा तो समझ में आया होगा, एक क्वेश्चन और बताते हैं जिससे क्लियर हो जाएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वाला हिस्सा इसे बनेगा ठीक, ये भी उसी तरह से, यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे, वही मतलब ए और बी बटा में है, तो पहले कहेंगे कि ए और बी का एलसीएम ले लो, ए बी हो गया, बी को यहाँ गुना कर दो तो बी एक्स, और ए को यहाँ गुना कर दो तो माइनस में ए वाई बराबर ज़ीरो, इधर से बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ज़ीरो, इक्वेशन फर्स्ट, और ये तो खैर इक्वेशन सेकेंड है, ये है ए एक्स प्लस बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। अब हम इन दोनों समीकरणों को हल करना चाहते हैं तो ऊपर नीचे गुना कर देंगे, ऊपर गुना कर देंगे बी से और नीचे गुना कर देंगे ए से, जैसे ही बी से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस में ए बी वाई बराबर में ज़ीरो, वही चीज़ बार फिर से रिपीट हो गया, यहाँ सिर्फ ज़ीरो है इतने अंतर है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस में ए बी वाई बराबर, ए अगर गुना करते तो ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर, ए बी वाई माइनस में ए बी वाई प्लस में कैंसिल, इन दोनों को अगर जोड़े तो डायरेक्ट अभी कहते ना कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों में, इसमें से ए स्क्वायर इसमें से बी स्क्वायर, कॉमन नहीं लिए, कॉमन तो लिए दोनों में से एक से एक्स, बच गया यहाँ से ए स्क्वायर वहाँ से बी स्क्वायर, इधर क्या बच गया, इधर तो जीरो है तो बच जाएगा ए क्यूब प्लस में ए बी स्क्वायर, वही चीज़ बार फिर से रिपीट हो रहा है यार, शिकायत लग रहा है वही क्वेश्चन तो नहीं बता दिए कहीं, नहीं नहीं वही नहीं है वो अलग था, उसमें बराबर में टू था यहाँ दो नहीं, लग भले रहा है कि वही है एक्स, तो बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पिछला जैसा लग रहा हो बहु लेकिन है नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि ए तो कॉमन ली, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कट जाएगा तो एक्स इक्वल टू हो गया ए, अब अगर एक्स इक्वल टू ए हो गया है तो वाई कैसे निकालेंगे, एक्स का मान अगर निकल जाता है तो हम कहते हैं कि समीकरण एक में एक्स का
मान रखने पर समीकरण फर्स्ट ढूंढना है। ऊपर वाला नीचे वाला किसी को भी मान लो ना, ऐसे फर्स्ट तो ऊपरे वाला, नीचे वाला तो सेकेंड है। तो पहले समीकरण एक्स एक्स मतलब कितना, ए हो गया, अब बटा में ए वाई बटा बी बराबर 0। ए से ए कट गया तो 1 माइनस वाई बटा बी इज इक्वल टू 0। 1 को रहने देते हैं और y बटा b अगर बराबर के उस तरफ ले गए तो y बटा b, हालांकि y बराबर क्या हो जाएगा, b को गुना कर दो इधर, तो हल y बराबर b हो गया और x बराबर a हो गया। मतलब इतना लिख के नहीं छोड़ना यार, जब भी हम बनाते हैं तो लास्ट में लिखो कि x बराबर a y बराबर b, जिसमें चेक करने वाले को आसानी हो कि आप आंसर लिखे हैं। चलिए क्लास छोटा था लेकिन विलोपन विधि से जितना क्वेश्चन आ सकता है तकरीबन हम आपको बता दिए, मतलब समझा दिए किस तरह से बनेगा, एक तो जितना बता दिए काफ़ी है। अब हम विलोपन विधि के बाद कुछ क्वेश्चन बतलाने वाले, क्वेश्चन सेम रहेगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे चेंज करेंगे, मेथड बदल जाएगा। अब विलोपन विधि के बाद आपको 10 या 12 क्वेश्चन बताने वाले हम लगातार, वो है प्रतिस्थापन विधि। तो इसमें तो 10-12 को बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, अगर हम 3-4 को भी समझा देते हैं तो बाकी बन जाएगा। तो विलोपन विधि हो गया पूरा ख़त्म और मेरा क्लास भी अभी हो गया ख़त्म। अब कल प्रतिस्थापन विधि हम बताएंगे, तो कल अगर प्रतिस्थापन विधि देखना है तो प्लीज़, अगर नए स्टूडेंट हैं और गलती से इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जो पुराने हैं पुराने वाले स्टूडेंट प्लीज़ यार वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है, लाइक तो ज़रूर करना। और आंसर तो पूछेंगे नहीं, कुछ कुछ भी पूछते हैं तो आप लोग आंसर भी नहीं बताते, पूछने बेकार है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कुछ कमेंट कर देना, हो सके जितना लोगों तक इसको शेयर करना। बाकी फिर कब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।